मान लिए कोर्ट में और उसने ये बात बोल दी है कि हाँ मैंने ऐसा किया था, इससे बड़ी जस्टिस एक फिल्म के द्वारा क्या हो सकती है। दूसरी बात, इसको सारी दुनिया में जितनी भी प्रेस्टिजियस जगह हैं वहाँ पे इस फिल्म को इनवाइट किया जा रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसके पहले हम लोग US कैपिटल हिल में होके आए हैं। तो जितना प्यार लोगों को मिल रहा है, जो हीलिंग हो रही है लोगों की, मेरे ख्याल से वही इस फिल्म की सबसे बड़ी सक्सेस है। और कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी ये टाइम पे ये मूवी रिलीज करने की, देर आर सो मेनी थिंग्स बिकॉज इट्स अ लॉन्ग स्टोरी और काफ़ी सालों पहले हुई थी, तो इस समय में कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी ये मूवी रिलीज़ करने की? नहीं देखिए, फिल्म तो कभी भी रिलीज़ होती तो इम्पॉर्टेंट ही होती, लेकिन मेरे ख्याल से अभी शायद हमारी ऑडियंस रेडी है इस तरह की फिल्म देखने के लिए। और जो कोविड के जो 2 साल हैं उसमें लोगों ने शायद घर में बैठ के सोचा होगा कि उनको कॉन्टेंट सेंटर्ड फिल्में चाहिए, तो जो अच्छी फिल्में हैं वो चल रही हैं और ये फिल्म उसी सिलसिले में मेरे ख्याल से एक नया स्टैंडर्ड सेट किया इसने। एंड व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस फॉर मेकिंग दिस मूवी? क्या कुछ चेंज आप बदलाव लाना चाहते थे सोसाइटी में? नहीं, मैं कोई सोशल चेंजर नहीं हूँ, मैं क्या बदलाव ला सकता हूँ, लेकिन आर्ट जो है वो एक अच्छे पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। तो जो जेनोसाइड हुआ था कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं का, इस फिल्म ने उसको लेके पूरी दुनिया में अवेयरनेस क्रिएट की। आज पूरा वर्ल्ड ये मानता है कि हाँ जेनोसाइड हुआ था, एक बहुत बड़ा जो कवर अप था, जो एक लोगों को जो बताया नहीं गया था, पता नहीं था, आज बच्चे बच्चे को इसके बारे में पता चल गया है। और इसको लेके कोर्ट्स, ह्यूमन राइट्स कमीशन, सरकारें, सब लोग जो हैं वो अंडर प्रेशर हैं कि किस तरह से कश्मीरी हिंदुओं को जस्टिस मिले और वो वापस अपने घर जा सकें। काफ़ी प्लेसेस में मूवी बैन भी हुई है, हाल ही में सिंगापुर में भी बैन हुई है, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं, ये फिल्म कहीं भी बैन नहीं हुई है। सिंगापुर जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा एक सेंसर्ड सोसाइटी है, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। सिंगापुर की जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो डिक्टेटोरियल है, मतलब सरकार तय करती है और वही होता है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में अगर कहीं पर बैन हुई हैं तो वो सिंगापुर में हुई हैं। और कुछ दिन पहले जैसे LGBT कम्युनिटी की जो फिल्में वो नहीं जाती हैं, जी की फिल्म थी शायद बधाई दो, ऐसा मुझे सुनने में आया कि वो भी वहाँ पे नहीं हो पाई। तो आप होमोसेक्सुअलिटी पे, एंटी टेररिज्म फिल्में, इस तरह की फिल्में वो लोग रिलीज़ नहीं करते हैं। वहाँ पे रोमांटिक लाइट हार्टेड फिल्म सिर्फ वही वो लोग देखना पसंद करते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन वो गलत है। और ये फिल्म कोई बैन नहीं हुई है, उनका अपना एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, और ये बात जब फिल्म हमने भेजी थी हमें तभी पता थी। सर, आपने आज भी एक पोस्ट अपलोड किया, उस पोस्ट के बारे में मैं कुछ जानना चाहूंगा आपसे। कौन सा पोस्ट? मैं दिन में बहुत सारे पोस्ट करता हूं। मनमोहन सिंह वाले पोस्ट का? हाँ, वो तो यासीन मलिक जो हैं उन्होंने खुद आज स्वीकार किया है कि वो उनने लोगों को मारा है और टेरर फंडिंग की और टेरर ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट थे। और बड़े अफसोस की बात है कि हमारे ऐसे टेररिस्ट को जिसने हज़ारों लोगों को मारा है खुलेआम बोल के और टीवी इंटरव्यू में कबूल कर चुका है कई बार, और आज तो उसने कोर्ट में भी बोली है ये बात, तो ऐसे लोगों को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बुलाया जाता था। मनमोहन सिंह के साथ उसकी फ़ोटो हैं, फारूक अब्दुल्ला के साथ उनने कई प्रोग्राम्स किए हैं, कई टीवी चैनल्स ने उनको यूथ आइकॉन का अवार्ड भी दिया है, और अरुंधति रॉय जैसे जो लोग हैं वो यासीन मलिक के जिगरी दोस्त हैं। आज भी भारत की कई यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स हैं वो यासीन मलिक को प्रोटेक्ट करते हैं। ये डूब मरने वाली बात है, बहुत शर्म की बात है कि ये लोग जो हैं वर्ल्ड के टॉप टेररिस्ट के साथ दोस्ती करते हैं सिर्फ इसलिए कि उसके चलते उनको जम्मू और कश्मीर में चंद वोट्स मिल जाएँ। ये मेरे ख्याल से भारत के लिए बहुत दुख और शर्म की बात है। काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी मूवी प्रमोट भी नहीं की थी, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसमें प्रमोशन नहीं हुई थी, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? अब वो ठीक है, जिसकी मर्जी है प्रमोट करे जो ना करे, इस फिल्म को देश के बच्चे बच्चे ने, औरतों ने, बुढ़ों ने, पूरे विश्व में प्रमोट किया है। जब पब्लिक आपकी फिल्म को प्रमोट कर रही है तो फिर ये टीवी चैनल्स की क्या औकात है। एंड नाउ सर, द वर्ल्ड रिकॉर्ड इज, टेल अस समथिंग अबाउट द वर्ल्ड रिकॉर्ड। सो ये आज हम ये जो फिल्म, जो लोग सुन नहीं सकते, जो लोग बोल नहीं सकते, जिनको हम डेफ एंड म्यूट बोलते हैं, वो लोग फिल्म में क्या डायलॉग चल रहे हैं समझ नहीं सकते, तो उनको साइन लैंग्वेज से समझाना पड़ता है। तो ये जो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, इसको इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार विश्व के इतिहास में कोई फिल्म 13 मई को, ये जब OTT Z5 में आने वाली OTT चैनल में, और Z5 साउथ ईस्ट एशिया की नंबर 1 चैनल है और बहुत फास्ट ग्रोथ उसकी अमेरिका यूरोप में हो रही है, तो इस पे ये 13 मई को जब आएगी तो उसमें हम लोग
डेफ और म्यूट के लिए साइन लैंग्वेज में इस फिल्म को हम दिखा रहे हैं, जिससे वो सारे के सारे लोग जो इस फिल्म को देखना चाहते हैं लेकिन वो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, वो लोग साइन लैंग्वेजेस को देख सकते हैं। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इसके पहले आज तक किसी कोई भी फिल्म इस तरह से नहीं आई है। सर, आपको लगता है कि जब से ये मूवी आई है तो देर इज़ मोर डिफरेंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कुछ ऐसी डिफरेंस बिटवीन आएगी? सर, डिफरेंस कहाँ है, मैं तो यहाँ, हो सकता है कोई मुस्लिम ही हो, इतने बच्चे आए उनमें मुस्लिम है, ये तो लोगों के दिमाग की बात है। हिंदू मुस्लिम में कोई डिफरेंस नहीं आया, ये बेवकूफ़ी की बात है, मैं इसको मानता भी नहीं हूँ। भारत बहुत प्यार से रहता है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। ये टीवी न्यूज़ में दिखाने के लिए सब ये फुलझड़ियाँ छोड़ने के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है कि इस फिल्म के बाद लोगों को ये समझ में आया है कि जो टेररिस्ट लोग हैं वो हमसे अलग हैं। टेररिज्म एक बहुत ही ह्यूमैनिटी के ऊपर एक अटैक है, सबसे बड़ी थ्रेट है, और उसके साथ इस फिल्म को देखने के बाद जो भी देखी है, जिसने भी जहाँ भी विश्व में देखी है, जो ज्यूज़ भी हैं, ब्लैक्स भी हैं, वाइट्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, हर तरह के लोगों ने देखी है इसको, बुद्धिस्ट भी हैं, सिख भी हैं, और देखने के बाद सबको ये समझ में आया है कि हम सबको मिलजुल के टेररिज्म से लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह कि कई लोग मीडिया में या पॉलिटिक्स में टेररिस्ट लोगों को सपोर्ट करते हैं। सर, मैं वो पोस्ट की मैं बात करता हूँ, वो पोस्ट से सर आप क्या मैसेज सोसाइटी को देना चाह रहे थे? कौन सी पोस्ट? मैं जो मनमोहन सिंह की पोस्ट आपने नहीं, जो उसमें लिखा है कि जो इसलिए वो लोग चाहते नहीं कि कश्मीर फाइल जैसे फिल्म बने, उसका लास्ट जो आपका सेंटेंस। अच्छा, वो हाँ वो सही बात है। आई मीन इसीलिए तो इसका ओपोजिशन कौन कर रहा है? कांग्रेस वाले कर रहे हैं, अर्बन नेक्सल्स कर रहे हैं, और जो जिहादी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं वो लोग कर रहे हैं इसका ओपोजिशन। तो वो चाहते नहीं कश्मीर फाइल्स आए, ताकि क्योंकि उनका जो पूरा का पूरा सच है वो सामने लोगों के आ गया है। जो इतने दिन से टेररिस्ट लोगों के साथ मिलकर देश को बर्बाद कर रहे थे, और आज उन लोगों का सच आ गया है, वो एक्सपोज हो गए, इसलिए वो लोग इतने खफा हैं। सर, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वाज द मेन रीज़न बिहाइंड इट, क्यों वो लोग ऐसा नहीं कर रहे? इसलिए क्योंकि वो टेरर सपोर्टर्स हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, जो ह्यूमैनिटी, पीस, लव, ब्रदरहुड, इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो डिस्ट्रक्शन पे, लोगों को मारने में, लोगों को लूटने में, टेररिज्म में, इस पे विश्वास करते हैं। तो जो लोग उनको सपोर्ट देते हैं, आइडियोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल, वो उनको सपोर्ट देके उनको डिफेंड कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो 99% मेजॉरिटी है वो इस फिल्म के साथ खड़ी है। अब उस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा मैं, नहीं कुछ कमेंट नहीं होगा उस बारे में। थैंक यू सो मच। ओके सर, मूवी की मैं बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड बना चुके, और एक रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड का, क्या कुछ कहना चाहोगे सर, किस तरह की फीलिंग है? आप अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं हम लोग कि इस तरह का प्यार मिल रहा है, और यही नहीं कि हमारी फिल्म ऐसी ऐसी जगह पर रिलीज़ हुई है जहाँ आज तक हिंदी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी और लोगों ने अप्रिशिएट किया है। सो इस तरह का प्यार मिलना फिल्म को लोगों से, और क्योंकि वो फिल्म को अपनी बना चुके हैं और इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम सब, हमारी पूरी टीम अपने आप को खुशकिस्मत मानती है और कोशिश करेगी कि ऐसे ही काम करते रहें और अच्छी फिल्में दे देने। और कितने ज़्यादा सर आप एक्साइटेड हो लोगों से मिलने के लिए, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है जी, उसके लिए मैं बात जी, उसके लिए बताइए सर। एक्चुअली ये मुझे अभी आप लोगों से पता चला कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करने वाले हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती हमारी फिल्म के लिए। एक छोटी सी फिल्म थी और आज स्पेशल शो रखा गया है। ये शो इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज वो हमारी फिल्म को, एक एक डायलॉग को समझ पाएंगे फिल्म को देखते वक्त, तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है और बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है हर इंसान के लिए, और लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है इस फिल्म को पूरे वर्ल्ड वाइड कि हर इंसान को ये फिल्म देखनी चाहिए, तो आज ये स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है। सो या बहुत खुशी की बात है हम सब के लिए, एंड ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी तो ये सोने पर सुहागा होगा। सो सर, आपने जैसे बोला कि जनता में इस फिल्म का काफ़ी प्रभाव पड़ा है, सबका अलग अलग रिएक्शन आ रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, अलग अलग रिएक्शन से आपका मतलब कुछ नेगेटिव भी? एक्चुअली देखिए, पांचों उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती, वैसे हर इंसान बराबर नहीं होता, हर इंसान की अपनी एक सोच है, लेकिन मैंने बहुत लोगों से मिला हूँ जिन्होंने मुझसे इस तरह की बात की कि फिल्म एक पक्ष को नहीं दिखाया गया या वो नहीं किया गया। सो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने फिल्म देखी, तो उन्होंने कहा नहीं, तो मैंने कहा आपको फिर आपने कैसे जज किया लोगों के कहने पर? तो ये ज़्यादातर ये हो रहा है कि लोगों के कहने पर एक दूसरे से सुनकर वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। वैसे
जिससे मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारी फिल्म ना किसी धर्म के खिलाफ है, ना ही किसी जाति के खिलाफ है, ना ही किसी पार्टी के खिलाफ है। हमारी फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है और इसीलिए रील और रियल ट्रेंड हुआ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग इसके विपक्ष में भी खड़े हैं वो अभी हमारी फिल्म बहुत जल्द OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही है 13 मार्च को Z5 पर, तो वो प्लीज़ एक बार देखें, इस फिल्म को ज़रूर देखें और ख़ुद उनको रियलाइज़ होगा कि वो गलत सोच रहे थे, हमारी फिल्म सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ। एंड सर लास्टली, आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, स्पेशली आपके किरदार को लेके काफ़ी अच्छा रोल आपने प्ले किया, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है सर? एक्चुअली ये सरियल है, मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि जिस तरह का प्यार मुझे मिला है लोगों से, क्रिटिक्स से, हमारी फिल्म फ्रेटर्निटी से, हर जगह से। और अभी तो मैंने बेस्ट एक्टर भी अवार्ड जीता है, सो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि ये लोगों की फिल्म थी, लोगों ने इतना प्यार दिया और मैं वो अवार्ड, मैंने जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में बोला भी, मैंने लोगों को समर्पित किया है क्योंकि उन्हीं के कारण मुझे ये अवार्ड मिला, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। और इस तरह का प्यार मिलना हर एक्टर का सपना होता है, हर एक्टर इसीलिए दिन रात मेहनत करता है कि इस तरह का प्यार मिले, सो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जो मैं ये मानता हूँ कि जो लोग इसके विपक्ष में हैं वो, अभी हमारी फिल्म बहुत जल्द 13 मई को रिलीज़ हो रही है Z5 पर, तो वो लोग प्लीज़ इस फिल्म को देखें और उनको रियलाइज़ होगा कि हमारी फिल्म किसी धर्म, जाति या पार्टी के खिलाफ नहीं है बल्कि टेररिज्म के खिलाफ है। हेलो एवरीवन, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज मुझे यहाँ आप लोगों के बीच आने का मौका मिला और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि आप लोग हमारी फिल्म जो हमने अपना हार्ट एंड सोल डालकर बनाई है वो फिल्म आप लोग देखने जा रहे हैं और उसके साथ साथ आप उसको अच्छी तरीके से समझ भी पाएंगे क्योंकि साइन लैंग्वेज के साथ। सो आई एम फीलिंग सो प्राउड कि आज मुझे, हमारे डायरेक्टर साहब, हमारी पूरी टीम को एक मौका मिल रहा है कि आप लोगों के सामने आज हम यहाँ आए हैं और अपनी फिल्म दिखा पा रहे हैं और एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड वॉचिंग आवर फिल्म। थैंक यू सो मच। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन। Moving ahead, I would request the director, Mr. Vivek Ranjan. Hello everyone, how are you? You know what? I always wonder, movies which bring people together in laughter, in tears, movies which make this entire world one, because all of us experience about life, about people, about stories together. Why they are not being translated in sign language, I always wonder. So with this, a world record. This is a world record. This is the first time on an OTT platform any movie has been translated into sign language, especially Indian sign language. So I wish that
that more and more people will do this. To Panchtantra. Has anybody, you know about Panchtantra? Anybody knows about Panchtantra? Oh yes, great. All these great things were created in Kashmir. Like, so this film is about Kashmir, why Kashmir is dear to us, and what happens when bad people, when terrorism with people with guns, not only when they kill lives, but also take away the culture, diversity, and everything beautiful, including art. And for me, it's such a wonderful day that today art is going to connect all of us in the same emotion. So please watch this movie. If you like it, go and tell your friends in whichever way you can, tell your parents, and let's take this light of humanity, this message of humanity all over the world, and wish that all of us become united in diversity. Thank you. Love you all. Call on stage Mr. Vaman Dev, a representative from International Book of Records, who will gratify the team here for the world record we are here to set. So a big round of applause for him, everyone. Hi. There is nothing behind to speak after seeing this movie. And I really want to thanks to all of the team members behind this movie who made this movie like, I mean, I'm speechless. Thanks to all of us, and I'm glad to be part of this event. I'm speechless. Thank you very much. बैठ के दे रहे कि जा रहे हैं। अरे एक फोटो करने को नहीं तो इसे लाइन लगा रहे हो सर। Excuse me. Let them finish the bike, then I'll ask you to speak to yours. हाँ। Can we finish with this first? Yeah, yeah. Sorry, man. सर आपके राइट में सर यहाँ पे सर जी यहाँ पे देखिए दर्शन सर यहाँ पे सर जी यहाँ पे देखिए बेटा ये ले लीजिए एक सोलो चाहिए सर यहाँ देखिए